फोटोज है ना, ये मेरे पहले के फोटोज है जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था, कम से कम 3 महीने पहले के। मेरी मांग देख सकते हो कितनी ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। हाँ जी, कुछ ऐसा हो रहा था और मैं सच में इतना रोती थी ना, मेरा इतना ज्यादा हेयर फॉल होते थे, बट अब नहीं होते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो। हाँ जी, बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है कि दी प्लीज कोई ऐसा ऑयल बता दो जिससे हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाए एंड रीग्रोथ भी हो। सो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा एक मैजिकल चीज शेयर करने वाली हूँ। कह सकते हो ऑयल है बट ऑयल नहीं भी है। हाँ जी, आप अपना रेगुलर ऑयल ही लगा के ये बेनिफिट ले सकते हो और इसका जीता जागता सबूत मेरे खुद के बाल है। हाँ जी, मैंने इसको रेगुलर 3 महीनों से यूज किया है, मुझे 1 महीने में ही रिजल्ट मिल गया था। मेरा हेयर फॉल तो कंट्रोल हो गया था बट आज तक मैंने कुछ भी यूज किया है ना, मेरे रीग्रोथ नहीं जल्दी होते थे, बट आई एम लाइक शॉक्ड। इस बार जो मैंने चीज यूज की है ना, उससे मेरा हेयर ग्रोथ इतना ज्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है जहां मुझे उम्मीद कभी नहीं थी। बिकॉज बचपन में मुझे एक प्रॉब्लम हो गया था, मेरे यहां से इन्फेक्शन होने के कारण पूरे बाल उड़ गए थे। और आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी कि मेरे यहाँ पे बाल नहीं होते थे, बिल्कुल व्हाइट दिखता था। अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया ना, तो मेरे कोई भी पुराने 1 ईयर पुराने वीडियो देख लो, शॉर्ट्स वीडियो कोई भी, मेरे यहाँ पे बाल बहुत कम है। ऐसे नहीं है जैसे अभी है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। एंड मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट मिला इस चीज से ना, एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली ही थी, बट किसी का इतना ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, मैंने सोचा कि नहीं, चलो जल्दी से इसको शेयर कर देती हूँ। So, अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि वो चीज क्या है। सो ये है एल्फ गुडनेस का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, इसके जस्ट 5 से 10 बूंदे आपके लिए मैजिकल वर्क करेगा। जब से मैंने इसको अप्लाई किया ना, मेरे हेयर फॉल तो बिल्कुल नहीं होता है, मेरे इतने ज्यादा रीग्रोथ हुए हैं, इतने ज्यादा बाल ग्रोथ हुए हैं। आप लोगों को मैं रिजल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में इसका बेनिफिट्स आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो इधर मेरे जो हेयर्स है, यहाँ पे भी बहुत बेबी हेयर्स है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे मेरे जो बाल थे पहले से ही यहां से थे, बट जैसे कि मेरा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल होने लगा तब से यहाँ पे बाल कम हो गए, लेकिन फिर से यहाँ पे रीग्रोथ हो गया। एंड लुक एट द बेबी हेयर्स, ये मेरे उखड़े उखड़े से रहते हैं, ऐसे अजीब से लगते हैं। एंड अभी मैंने कोई स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, मेरे बालों का लेंथ भी देख सकते हो, लुक एट दिस। फिर से मुझे कटवाना पड़ेगा, मैंने 3 महीने पहले ही कटवा के इतने छोटे किए थे। और मैं आपको और एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जिसकी मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मेरे यहाँ पे हेयर ग्रोथ होने लगे हैं। लुक एट दिस, देख सकते हो इस जगह पे, नहीं है ना इधर, ये तो हेयर लाइन है, ये सबका होता है एक, मतलब हेड से थोड़ा सा इधर हेयर लाइन जो रहता है वो है ये मेरा, पूरा यहां से मेरे बाल स्टार्ट होते हैं। बट गलती से कह सकते हो कि 2 से 3 बार, या फिर हो सकता है जब मैं ऑयल अप्लाई करती हूं मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसे भी हेयर ग्रोथ हो सकता है। सो मेरे शायद यहाँ पे लगा रह गया और रह ही गया, मेरे यहाँ पे भी हेयर ग्रोथ होते हैं। हाँ जी, आप लोग देख सकते हो अभी भी है। जब मैं फेस सेव करती हूँ ना, मैं तो इसको भी करना पड़ता है मुझे, बिकॉज मेरे यहाँ पे फोरहेड पे बाल आ गए हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ तक मेरे बाल ग्रोथ होने शुरू हो गए हैं, एंड मैंने अभी तक फेस सेव नहीं किया। आप लोग देख सकते हो अपर लिप पे मेरे बाल है, तो इसलिए ये भी है, बिकॉज मैं आप लोग को दिखा सकूं, इसलिए मैंने अभी तक अपना फेशियल रेजर यूज नहीं किया है। एंड देख सकते हो यहाँ पे भी मेरे बाल, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मेरे यहाँ पे भी बाल ग्रोथ हो सकते हैं, बिकॉज मेरे यहीं पे कभी बाल नहीं आए जब से मेरा यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद से जो मेरे हेयर फॉल हुआ यहाँ से बिल्कुल गायब हो गया था। कभी भी कोई भी मेडिसिन खा के, कोई डॉक्टर का दवाई लगा के, कुछ से भी मेरे यहाँ पे बाल नहीं आते थे, बट मेरा अभी यहाँ पे बिल्कुल हेयर है। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल मैं गंजी नहीं हूँ सामने से, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे गैप रह गया, वो भी इसको लगाने, कंटिन्यू मैं लगाती हूँ तो वो भी कवर्ड हो जाएगा। ये देख सकते हो, आप लोगों को अगर नहीं यकीन होता है तो इससे तो यकीन करना पड़ेगा ना, ये मैं जानबूझ के लगा तो सकती नहीं हूँ यहाँ पे हेयर। देख सकते हो मेरे यहाँ पे बाल आ चुके हैं, इस साइड में नहीं है, अगर मैं लगाना ही होता तो इस साइड में भी लगाती, बट यहाँ पे भी आ चुके हैं। क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप लोगों को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो डालना ही छोड़ दिया है, बट अगर आपको किसी चीज को लगाना है, किसी चीज का बेनिफिट लेना, तो उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। एंड मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ इसको शेयर करूंगी, इसीलिए मैंने खुद यूज किया, पहले देखा कि इससे कितने फायदे होते हैं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती थी। सो ये मेरा सेकेंड बॉटल है, मेरा
फर्स्ट वाटर फिनिश हो गया है, मैं कम से कम इसको नवंबर से यूज कर रही थी। सो मेरा ये अब न्यू बॉटल है, सो इसमें से मैं अभी भी लगाती हूँ। ओवरनाइट आपको ऑयलिंग करनी है, नेक्स्ट डे आपको वॉश कर देना है हेड। तो ये तो हो गया रिजल्ट के बारे में। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स और क्या क्या है, इसको कैसे लगाना है, कैसे लगाना है, कितने बूंदे आपको लगाना है, एक्सट्रीम हेयर फॉल के लिए, रीग्रोथ के लिए, डैंड्रफ के लिए, हर चीज के लिए ये रामबाण कह सकते हो, रामबाण का काम करेगा। आप ऑयल लगाते हो ना, उसमें जस्ट इसको मिक्स करो एंड आप अप्लाई कर लो। इतना इतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, आप लोग जरूर मुझे बाद में आके थैंक यू बोलोगे। तो सबसे पहले देख लेते इसको लगाना कैसे है, एंड इसका बारे में भी मैं बताती हूँ वॉइस ओवर करके, आप लोग देखो इसको लगाना कैसे है। सो गाइज, ये है एल्फ गुडनेस का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। इसका प्राइस है जस्ट 175 रुपीज में आपको मिल जाएगा। एंड मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के भी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, बट मैंने नहीं यूज किया तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकती। एल्फ गुडनेस का मैंने यूज किया है तो मैं इसी को आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, बिकॉज इससे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। आप लोग देख सकते हो मैंने बालों में कोम किया बट एक भी बाल मेरे नहीं टूटे। बात कर लेते इसको लगाना कैसे। अगर आप एक चम्मच ऑयल लगाते हो अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग, तो आपको एक चम्मच में 5 ड्रॉप्स ही इसको यूज करना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का। अगर बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आप 2 चम्मच ऑयल यूज करते हो तो उसमें 10 ड्रॉप्स ही इसके यूज करने, एक बूंद भी ज्यादा मत यूज करना, वरना कोई और ही रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। एसेंशियल ऑयल को कभी भी ज्यादा नहीं यूज करते हैं। अगर आप बालों के लेंथ के लिए, कि अगर थोड़ा सा ग्रोथ के लिए या फिर स्कैल्प में खुजली हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, उसके लिए यूज कर रहे हो तो 1 चम्मच में 2 से 3 बूंद, 2 चम्मच में 6 से 7 बूंद यूज करना। एक्सट्रीम हेयर फॉल के लिए ही 1 चम्मच में 5 बूंद और 2 चम्मच में 10 बूंद यूज कर सकते हो। अच्छे से स्कैल्प में इसको लगाओ। आप लोग देख सकते हो पहले का फोटो मैंने आप लोग को दिखाया, मेरे मांग कितना चौड़ा हो गया था और अभी मेरे स्कैल्प बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, ढूंढना पड़ता है। स्कैल्प में फिंगर के हेल्प से अच्छे से मांग निकाल निकाल के स्कैल्प में लगाओ एंड मसाज करते रहो रूट्स पे। लेंथ पे अगर नहीं भी लगे ना तो कोई बात नहीं। एसेंशियल ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स है। इससे आपके बालों में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता। अगर आपके बालों में कभी इन्फेक्शन होता भी है ना, स्कैल्प में खुजली या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके यूज से आपके स्कैल्प के इन्फेक्शन बिल्कुल दूर हो जाते हैं और कभी इन्फेक्शन होगा नहीं अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हो तो। अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेयर डैंड्रफ होता है ना, तो भी आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, तो कोई भी तरह का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल्स या फिर फंगस कुछ भी नहीं होता आपके स्कैल्प को, और बहुत ज्यादा ही रीग्रोथ करता है आपके बालों को, बहुत तेजी से आपके बालों को बढ़ाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, बिकॉज इतने बालों टूटे हैं, हेयर फॉल हुआ है, तो उसको बढ़ने में भी टाइम लगेगा। बट अगर 1 महीना कंटिन्यूसली आप इसको यूज करते हो ना, तो आपके बेबी हेयर जरूर दिखने शुरू हो जाएंगे 1 महीने में। आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको यूज कर लिया मसाज करते हुए। अभी रोज मेरे एसेंशियल ऑयल को लगाओ, अच्छे से मसाज करना स्कैल्प को, ताकि वो अब्जॉर्ब हो, अंदर तक जाए, पेनिट्रेट हो आपके स्कैल्प के अंदर तक। लेंथ का फिक्र मत करना। अगर आपका लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके लेंथ में भी 2 मुए बाल हो गए हैं या फिर डैमेज हो गया है, तो आप लेंथ में लगाना, वरना अगर सिर्फ हेयर फॉल के लिए यूज करो तो स्कैल्प को फोकस करना। स्कैल्प में अगर ज्यादा अच्छे से लगाओगे तो आपका बाल ग्रोथ भी होंगे और टूटेंगे भी नहीं, बिकॉज रूट से ही टूटते हैं। यहाँ पे अच्छे से मैंने ब्रेडिंग कर लिया, बिकॉज मैं रात को ब्रेडिंग करके ही सोती हूँ, बट बहुत ढीला ढीला करना। रोज मेरी एसेंशियल ऑयल को कोई भी नॉर्मल ऑयल में मिक्स करके यूज कर सकते हो। अगर आप प्लेन नारियल का तेल भी लगाते हो उसमें भी मिक्स करके यूज कर सकते हो। एल्फ गुडनेस के रोज मेरी एसेंशियल ऑयल में कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। रोज मेरी का खुद का बहुत स्ट्रांग स्मेल रहता है, तो वो आपको लगेगा, बट 2 से 3 बार यूज करने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और मुझे अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा सा कपूर जैसा इसका स्मेल रहता है और ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर वीडियो है। मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूं। एंड आप भूल ही जाओगे कि कभी आपके हेयर फॉल होते भी थे, एंड रीग्रोथ तो पक्का है, सो जरूर ट्राई करना। गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, एंड जिसका भी ये रिक्वेस्ट था, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल हो रहा है और रीग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो जरूर मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई करके देखो। आप भूल ही जाओगे कि आपका कभी हेयर फॉल होता भी था। इंस्टेंट रिजल्ट भी दिखाती हूं, देख सकते हो, ये रहे मेरे फिंगर, ठीक है, एंड लुक एट दिस, एक भी हेयर है नहीं है, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल रुक गया है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, सी। और मेरे बेबी हेयर्स आप लोग देखते ही रहते हो, जो मेरे बाल खड़े खड़े रहते हैं वो बेबी हेयर्स ही है, इसलिए इतने ज्यादा खड़े रहते हैं। सो
सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इसको जरूर ट्राई करो अगर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है तो, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल्स एल्फ गुडनेस का। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर करना वीडियो को और भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिसका हेयरफॉल होता हो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर हिट करना एंड लाइक जरूर करना, एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। बाय, लव यू।